क्या आपने कभी सोचा है कि भिखारी भी किसी को दान दे सकता है और वो भी उसको जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है यानी भगवान। कुछ ऐसा ही किया है एक भिखारी ने जो भगवान को दान देने के बाद सुर्खियों में है। जनाब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के विजयवाड़ा में रहने वाले यदि रेड्डी की, जो भगवान को दान देने के बाद सुर्खियों में छाए हुए हैं। 75 वर्षीय यदि रेड्डी मंदिर से बाहर ही भीख मांगते हैं। पिछले दिनों ये रेड्डी ने मंदिर में भगवान श्री राम को चांदी का मुकुट दान में देकर सबको चौंका दिया। यदि रेड्डी की ओर से चांदी का मुकुट मंदिर में दान करने से सभी हैरान है। मंदिर प्रबंधन के लिए ये बात कोई नई नहीं है। यदि रेड्डी इससे पहले साईं बाबा के लिए भी चांदी का मुकुट दान कर चुके हैं। मंदिर के चेयरमैन और विधायक गौतम रेड्डी ने बताया कि यदि रेड्डी इन मुकुटों पर 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए होने वाले भंडारे में भी यदि रेड्डी 20,000 रुपए दान कर चुके हैं। यदि रेड्डी पिछले कई सालों से मंदिर के आगे भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भीख मांग कर जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो भगवान को ही अर्पण कर देते हैं। यदि रेड्डी तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले के रहने वाले हैं। बचपन में ही वो विजयवाड़ा आ गए थे। यहाँ उन्होंने 45 वर्षों तक रिक्शा चलाया। जब उम्र बढ़ने लगी और रिक्शा चलाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने मंदिर से बाहर भीख मांगना शुरू कर दिया। यदि रेड्डी के परिवार में कोई नहीं है इसलिए वो भगवान को ही परिवार मानते हैं। उनकी जो भी कमाई होती है उसे वो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और अपने भक्तिभाव के साथ अर्पण कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।